पास अमीर गरीब दोनों पड़ता है। लेकिन हम ये कहते हैं जहाँ गरीबों के रास्ते बंद हो जाते हैं, जब वो तरसने लगते हैं कि हमको एक बेहतरीन पढ़ाई मिल सकती थी, वहां हम उनके लिए खड़े रहते हैं और हमेशा हम उन बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। अब क्लास भी खुल गया, आपको हम आज एक क्लास का वीडियो दिखाते हैं, क्लास में लड़के कैसे बैठे रहते हैं। क्लास में थोड़ा भी जगह नहीं बच पाता है, पांच पांच हॉल है, पांचों का पांचों भरा रहता है। अब क्लास देखिएगा तो फिर बैठने का जगह नहीं मिलता है, जमीन पे ही बैठे रहते हैं। देखिए बॉय लोग जो एडमिशन का स्थिति, जिन लोगों को लगता है कि पटना में आके पढ़ेंगे, जरा पटना के लड़कों लोग का स्थिति देखिए। यहाँ लड़की सबको भी बेचारी सबको बैठने का जगह नहीं है और कहता है सर कि सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे, इस क्लास में कहाँ पे जगह बचा हुआ है जो बैठेगा वहाँ पर, आप नीचे जमीन पे जो बैठे हैं वो लोग बैठे रहेंगे। लड़का कहता है कि हम नीचे भी बैठ जाएंगे। अब ये हॉल नंबर एक की स्थिति है। अब ये देखिए जो कहते हैं नीचे बैठ जाएंगे, ये बेचारे सब नीचे को देखिए, ये जमीन पे जगह कहाँ है? जमीन पे भी जगह रहना चाहिए तब ना। देखिए जमीन, लड़का कहता है कि हम जमीन पे भी बैठ सकते हैं। अब इसलिए बाबू लोग हम लोग को बहुत मजबूरी में कहना पड़ता है। अब कहता है सब कि हम बाहर सीढ़ी पे बैठ के पढ़ें। ये देखो सीढ़ी पे भी जगह रहना चाहिए तब तो, ये ऊंचाई दीवार पे बैठ के पढ़ रहा है। ये देखो ये क्लास के बाहर की स्थिति है। तो इसलिए बाबू लोग अभी आप लोग कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही पढ़े। देखिए ध्यान से पढ़ना में बाबू, जमीन पे भी बैठने का स्थिति नहीं रह पाता है। लड़की सबको बड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। यहाँ लड़का बैठ जाता तो स्टेज पे तो ये फूल रख दिए कि स्टेज टूट देगा सर। इसलिए बाबू लोग आप लोग जहाँ भी हैं मेहनत से पढ़ाई उड़ाई कीजिए। आप लोग जो जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं बाबू, एक दिन याद कीजिएगा जब अधिकारी बन जाइएगा अपने ऑफिस में बैठिएगा तो समझ आ जाएगी ना। इसलिए बहुत जल्दी माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। किसी भी शिक्षक को शौक नहीं लगा रहता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को जमीन पे यहाँ तक ऐसे बैठा के पढ़ाए यहाँ, लेकिन मजबूरी है। ये हॉल नंबर एक की स्थिति है। हॉल नंबर दो तीन चार पाँच सब भरा हुआ है। बहुत जल्दी हम आप लोग के लिए हॉल नंबर छः भी लेंगे, छः सात पंद्रह दस करना पड़ेगा। ठीक है।